हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है आयोग व समितियों के ऊपर, ठीक है। और ये हम पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटी के विषय में, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग केंद्र राज संबंध में पूरे के पूरे तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि चौथा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक था केंद्र राज संबंध का विधायी संबंध, दूसरा टॉपिक था आपकी औसत शक्तियाँ, तीसरा टॉपिक था प्रशासनिक संबंध, और अब थोड़ी सी आयोग और समितियों की बात करेंगे। इसके बाद पांचवी टॉपिक आएगी आपकी वित्तीय संबंध। ये तीन संबंध होने के बाद और दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 2 5 हो गए। तो बहुत सारे आयोग बने थे और आयोग से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ नाम तक ही होता है कि फला आयोग किस चीज़ से संबंधित है, इतना ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ना पीसीएस में देखेंगे या आईएएस में देखेंगे तो सिलेबस दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, और आसान चीजें अब नहीं आ रही हैं। अब जो है टेक्निकल चीजें आ रही हैं, टेक्निकल बातें आ रही हैं। तो आने वाले समय में आपको और मजबूत होकर पढ़ाई करना है, और इसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन आयोग और समितियों के बारे में, और देखते हैं कि किन्होंने क्या बातें कहा। देखिए, जब भारत में एक दल था, एक दल मतलब जब भारत में एक ही सत्ता थी, एक ही पार्टी थी, तो उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। शुरू से ही 1885 से जब कांग्रेस बनी, तब से लेकर वो आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे। पहले तो उसका आंदोलन सिर्फ भारत की आज़ादी तक था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पार्टी एक नए रूप में उभर के आई और देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेकर एक जो कि 300 साल से गुलाम देश था, उसको आज़ादी के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संविधान तैयार करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, कंपनियां बनाना, लोगों के हितों का ध्यान रखना, बहुत सारे काम हुए हैं इन 60 सालों में। दोस्तों, बहुत सारे काम हुए, कभी डिटेल में बताऊंगा आपको कि जैसे मैं देखिए किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग भारत के नागरिक हो, इसलिए यार कभी किसी पे ऐसे मत भरोसा किया करो। देखो, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी वर्ग के हो, और बुद्धिजीवी वर्ग कभी अंधभक्ति नहीं समझता है। हर चीज को पहले जानो, समझो, जो अच्छा हो उसकी तारीफ करो, जो नहीं अच्छा हो उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, इससे हमारा मतलब नहीं है। अक्सर मोदी जी अपने स्पीच में एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत ही गंदी लगती है, जब वो ये बोलते हैं ना कि पिछले 60 सालों में देश ने क्या किया, पिछले 60 सालों में देश में क्या हुआ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने और बताऊंगा कि देश में क्या हुआ पिछले 60 सालों में। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर हैं और एक सम्मानजनक पोस्ट है, बहुत ही सम्मानजनक है। उनकी निंदा करना मतलब अपने देश की निंदा करने के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के पद पर हो तो उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्वाभाविक सा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम अनपढ़ और जाहिल गवार नहीं है, ठीक है। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये पढ़ाई लिखाई किस काम की अगर हमारा जो है मानसिक क्षमता का विकास ना हो। तो मैं बताऊंगा वहां आपको कि ये एक बात, बाकी और की और क्या टीका टिप्पणी करते हैं उस पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, वो सब राजनीति का गेम है और बहुत सारे लोगों को ठेस भी पहुंच सकती है इस बात पे भी, क्योंकि बिल्कुल अंधभक्ति है, ये बिल्कुल गंदी चीज है कि पिछले 60 सालों में क्या हुआ। मैं बताऊंगा आपको कि पिछले 60 सालों में क्या हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी बात करते हैं कि जब भारत में एक दल था तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि एक ही दल था तो केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्यों में भी कांग्रेस था, तो संबंध तो अच्छे होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र और राज्य के जब विभिन्न दल की सरकारें बनी और गठित होने शुरू हुई, तो ये संबंध तनावपूर्ण होने शुरू हो गए। ये संबंध कैसे हो गए, धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति में आ गए। अतः केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए विभिन्न आयोगों एवं कमेटियों को गठन किया गया, ताकि एक रिलेशन जो हो केंद्र राज्य के बीच वो अच्छा हो सके। आखिर क्या जरूरत थी यार इस कमेटी को और आयोग को बनाने की, ये जरूरत थी खाली कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध हों, इसके लिए ये आयोग का गठन किया गया। सबसे पहला जो आयोग था वो था शीतलवाड़ समिति, ठीक है। शीतलवाड़ समिति, पूछा जाए अगर आपसे कि शीतलवाड़ समिति किस चीज से संबंधित थी, तो आप कहेंगे प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी। ये आई थी 1966 से 1969 के दौरान, 1966 से 1969 के दौरान। 1966 में याद है ना दोस्तों, 1966 में सरकार बदल गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी हट चुके थे और लाल बहादुर शास्त्री जी आ चुके थे। तो याद रखिएगा, 1966 में एमसी शीतलवाड़, पूरा नाम है एमसी शीतलवाड़, की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया, जिसने ये कहा कि बिना संविधान में संशोधन किए,
राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। क्या यह संभव है कि हम संविधान में संशोधन भी ना करें और राज्यों को अधिक स्वायत्तता भी दे दें? ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें कहा था यमसी सीतलवाड़ ने। क्यों कहा था भाई, क्यों संविधान में संशोधन करने के लिए उन्होंने मना किया था? क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर संविधान में संशोधन होगा तो पहले तो इस संशोधन को पास होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उन्होंने तत्काल रूप से इसको लागू करने के लिए कहा कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। इससे राज्यों का संबंध और अच्छा होगा, राज्य अच्छे से विकास के काम कर सकेंगे। इसके बाद इनके ठीक बाद एमसी सीतलवाड़ा के ठीक बाद आया राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग या राजमन्नार कमेटी 1969 में। दोस्तों 69 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको याद है ना। तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को राजमन्नार की अध्यक्षता में एक राजमन्नार कमेटी का गठन किया और इसने भी यही बात कहा कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देना चाहिए। इन्होंने भी ठीक वही सुझाव दिया जो यमसी सीतलवाड़ ने दिया था। इस समिति के कुल 3 सदस्यीय कमेटी थी, एक तो राजमन्नार थे, दूसरा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और तीसरा पीसी चंद्रा रेड्डी। ठीक है, और इन्होंने अपने सुझाव में 3 बातें कही, 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया। एक कि अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवशिष्ट विषय क्या होता है। ठीक है, ऐसे विषय जो किसी में भी नहीं आते हैं उस पे जो है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। तो इन्होंने कहा, राजमन्ना आयोग में कहा गया कि अवशिष्ट विषय को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए या तो राज्यों को दे देना चाहिए। अभी हाल में क्या है, केंद्र के पास निर्णय है, ये जो पावर है वो किसके पास है, केंद्र के पास है, लेकिन राजमन्ना आयोग ने कहा कि इसको राज्य को दे देना चाहिए ताकि राज्य पावरफुल हो। एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए, ये तो सही है कि एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद 312 में बताया गया, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। और राजमन्ना आयोग का कहना था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, गठन नहीं दोस्तों, ये गलती से लिखा गया था, तो समाप्त कर देना चाहिए, इनका जो है ऐसा मानना था, इस आयोग का ऐसा मानना था। देखते हैं, एक और प्रमुख आयोग आया, सरकारी आयोग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग। ठीक है, 24 मार्च 1983 को सरकारी आयोग आया है, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। एक तो रणजीत सिंह थे, दूसरे थे शिवरमन, तीसरे थे एस आर सेन, याद रखिए रणजीत सिंह, शिवरमन, एस आर सेन। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा 1987 में, देखो गठन 83 में हुआ था और रिपोर्ट कब आया इसका, 1987 में। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार को सौंपा और 87 में प्रकाशित भी हुआ, कुल 1600 पृष्ठी रिपोर्ट था। ये तो थोड़ी सी अलग बात है कि इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, देखिए क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है सरकारी आयोग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है ना सरकारी आयोग से ही आते हैं, जो पहले के थे राजमन्नार आयोग या उसके पहले के यमसी सीतलवाड़, ये दोनों पुराने रिपोर्ट थे और वो बातें बीत चुकी हैं और वो नॉर्मल सी बातें थी क्योंकि उनके बातों में उतना दम भी नहीं था। उन्होंने क्या कहा भाई, यमसी सीतलवाड़ ने कहा कि हमको राज्यों को पावरफुल करना चाहिए, ठीक है, कुल मिला जुला के राज्यों को पावरफुल करना चाहिए। सेम इसी तरह से बातें किन्होंने कहा, राजमन्नार आयोग ने भी कहा, बस एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि अवशिष्ट शक्तियों को या तो समाप्त कर दें और या तो राज्यों को दे दें, और भी कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। बस एक अच्छी बात कही थी उन्होंने कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं सरकारी आयोग, केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन न तो उचित है न ही आवश्यक है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, ठीक है, इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो यह संशोधन करना उचित है ना ही ये आवश्यक है, क्योंकि देश की एकता तथा अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र होना अनिवार्य है। एक मजबूत राज्य हो ना हो, लेकिन एक मजबूत केंद्र होना अति अनिवार्य है, तभी एक देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सकेगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, देश कई हिस्सों में टूट जाएगा। समझिए बात को आप, अगर स्टेट पावरफुल हो जाएंगे और केंद्र लूज हो जाएगा, केंद्र की पावर नहीं रह जाएगी, तो पता चला कर्नाटक के पास ज्यादा पावर है, नागालैंड के ज्यादा पावर है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने में विद्रोह कर देंगे, ये लोग हमेशा क्या करेंगे। अभी देखिए हाल ही में पता चला था कि कर्नाटक ने अपना झंडा लॉन्च कर दिया, सही है, भारत का झंडा है ना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत के पास अपना ध्वज है, तो कर्नाटक को अपना ध्वज बनाने की क्या जरूरत है,
ऐसे पता चला 29 स्टेट ने सब अपना ध्वज बना दें। ठीक है, कल को क्या चलेगा, कल को पता चलेगा तिरंगा की महत्व ही समाप्त हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। सोचो, एक मजबूत केंद्र होने के बावजूद ये स्थिति परिस्थिति हमको देखनी पड़ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे अगर इस तरह से हो जाता, अगर राज्य को पावरफुल कर दिया जाता, तो कितना बड़ा समस्या हमारे सामने आ जाता, आप खुद ही सोच सकते हो। समझदार हो, समझ सकते हो बातों को। दूसरा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद तो होनी ही होनी चाहिए और इसका गठन भी होना चाहिए। मैंने बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की मांग काफी समय से चल रही थी, लेकिन आगे चल के वीपी सिंह की सरकार में 1990 में जाके ये बना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है, और इसमें राज्यों का मुख्यमंत्री भी शामिल हो। भाई आप कह रहे हो कि राज्यों को पावर देने की बात, राज्यों की पावर मत दो ना, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करो, ठीक ना, इंटर स्टेट काउंसिल का, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को उसमें सदस्य बना दो, उनके बिना काम ना चलेगा। तो कुल मिला जुला के पावर डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र राज्य के पास भी पावर रहेगी, है कि नहीं, क्योंकि अगर राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाएगा तो पावर तो है ना। तीसरा क्या दिया इन्होंने सुझाव, कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प में रूप के रूप में लागू होना चाहिए। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था, 50 से अधिक बार। ठीक है, इतने बार राष्ट्रपति शासन की क्या आवश्यकता थी, बात बात पे कोई अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लगवा सकता है आराम से, इस पर राष्ट्रपति का कोई वो नहीं है। अरे एक बार सिफारिश करेगा, लौट के आएगा, दोबारा करेगा, करना पड़ेगा उनको, मजबूरी है। तो बार बार राष्ट्रपति शासन का विकल्प नहीं चूज करना चाहिए, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब एकदम मतलब सब कुछ आपे से बाहर हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त करना चाहिए, बीच में इसका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। देखो एक राज्य की, जैसे आपको कोई दायित्व तो दिया गया कि आपको 5 साल के अंदर ये काम करना है और इस तरीके से करना है, तो आप अपना माइंड सेटअप भी उसी तरीके से तैयार करते हो, आप अपना माइंड सेटअप जो है उसी तरीके से तैयार करते हो कि हमको किस एवरेज में किस स्पीड से क्या क्या काम करना है। अब अगर पता चला 5 साल के लिए कोई काम दिया गया, 2 साल बाद दूसरी जगह, फिर 1 साल बाद दूसरी जगह, फिर 1 साल बाद दूसरी जगह, फिर 1 साल बाद दूसरी जगह, तो ऐसी स्थिति में आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाओगे, ना तो आप ठीक ढंग से काम कर पाओगे, ना ही जहां पे जाओगे वहां ठीक ढंग से काम हो पाएगा। तो सरकारी आयोग ने बहुत ही अच्छी बात कहा कि राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त करना चाहिए, बीच में ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 155 ये संबंधित है राज्यपाल से, इसमें कहा गया कि इसमें संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य जो है उसके राज्यपाल से एक बार परामर्श जरूर से लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक कॉपरेशन बनता है। देखो केंद्र राज्य संबंध मीन्स क्या, केंद्र राज्य संबंध मीन्स क्या, कि केंद्र और राज्यों के बीच अच्छा संबंध हो। जैसे देखो अगर आपके घर में अच्छे संबंध कब होते हैं, जब सब लोग एक दूसरे से फ्री होके बातें करते हैं, अपने दिल की बात आप अपने मम्मी से कर सकते हो, पापा से कर सकते हो, पापा अपने दिल की बात मम्मी से कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं, या और भी जो घर के सदस्य हैं, तो वहां पे एकदम खुला हुआ माहौल रहता है, हमारे अनुकूल माहौल रहता है, तो वहां कभी डर नहीं होता है, कभी हिचक नहीं होता है, और हम आराम से चीजों को कर पाते हैं। लेकिन अगर यहीं आप कुछ चोरी से करना हो काम, घर वाले कोई काम चोरी से करें, तो ये बहुत अटपटा सा फील होता है। तो कह रहा है कि जब भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, तो एक बार जो पूर्व राज्यपाल है ना, उससे एक बार क्या कर लिया जाए, परामर्श ले लिया जाए। इससे क्या हो जाता है ना, कॉपरेशन बनता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है सबको। इसके अलावा निगम कर, आय कर और उत्पाद कर, इन तीनों तरह के कर को बंटवारे के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन को सही करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, और ठीक ढंग से इसका बंटवारा भी होना चाहिए। कुल मिला जुला के इसका बंटवारा, अब तो फिलहाल जीएसटी आ गया, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स तो है ही है, तो बहुत सारे हद तक जो है चीजें अब सही हो रही हैं। योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1983 की बात थी, 87 में रिपोर्ट आया था, अब तो योजना आयोग समाप्त हो गया है और उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो योजना आयोग तो समाप्त ही हो गया, लेकिन ठीक ही ठीक उसी तरह से है नीति आयोग, बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है नीति आयोग की। तो इन्होंने कहा था कि योजना आयोग को भी स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाना चाहिए। एक अच्छी बात और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद होना चाहिए। देखिए नाम से भी बड़ा फर्क पड़ता है, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद होना चाहिए, यह अधिक प्रभावी है, क्योंकि जब इस तरह से नाम रखेंगे ना, तो यह केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिक स्तर को समझने में थोड़ा सा हमको मदद मिलेगा।
देखिए, नाम से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप ऐसा मत समझो कि जितना छोटा नाम रहेगा, शॉर्टकट नाम रहेगा, उतना अच्छा चीजें होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद ये अपने आप में एक प्रभावी नाम है, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची तीन तरह की सूचियां होती है, मैंने आपको बताया था। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व, देखो समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का भी और केंद्र का भी, लेकिन केंद्र ज्यादा प्रभावी है। तो राज्यों से परामर्श करना चाहिए, राज्यों से परामर्श करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, चिकित्सा और शिक्षा, ये जो तीन क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और शिक्षा, इस क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में भी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, या न्यायालय लगा दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण अगर हो रही है तो उनकी इच्छा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले दोस्तों एक बहुत बड़ा केस हुआ था और आपने सुना होगा, आई थिंक बंगाल का मामला था क्या, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, और देख लीजिएगा एक बार, न्यूज़ को रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, रिवाइज कर लीजिएगा, सॉरी। तो बंगाल का मामला था, वहाँ जो है एक जज का ट्रांसफर हुआ, हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर हुआ, और बार बार उनका ट्रांसफर हो रहा था। तो वो उन्होंने क्या किया कि अपने कोर्ट में ही एक मुकदमा दायर कर दिया, मतलब जज ने अपने ही कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। तो कुछ इस तरह का इशू हुआ था और बाद में ट्रांसफर को लेके बड़ा झिझक हुआ था। तो होना भी चाहिए यार, देखो कोई आदमी, जब मैंने बताया ना कि किसी भी आदमी को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कहीं भेजा जाना चाहिए, बार बार ट्रांसफर जैसी चीजें होती है ना, देखो पॉलिटिकल प्रेशर में क्या होता है, पॉलिटिक्स में इतने सारे गेम होते हैं ना कि लोग प्रेशर बना के ट्रांसफर जैसी चीजें हमको आम बात हो गई है। कभी आईएएस का एक आईएएस देखिए कहीं भी 2-3 साल रहता नहीं यार, जब तक वो समझता है किसी जिले के बारे में, उसकी स्थिति परिस्थिति समझता है, तब तक पता चला उसको उठा के फेंक दिया गया दूसरे जिले में, उठा के जब तक वहां की स्थिति समझता है तब तक दूसरे जिले में। ये बहुत ही गंदी चीज है, पता नहीं क्यों केंद्र सरकार बैठे बैठे काम कर रही, क्या काम कर रही, उनको कौन बताने वाले लोग हैं, समझ में नहीं आता कि जो प्रॉब्लम है वो उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। किसी को जब हम एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, सपोज करो अभी नहीं ध्यान जा रहा ना, पता क्या करना चाहिए इस बात पे, इस बात पे अगर ऐसा हो जाए, पता चला केंद्र सरकार, केंद्र में भाजपा है, 3 महीने बाद हट जाए, लो कांग्रेस आ गई, जब तक कांग्रेस को करना चाहेगी तो लो भाजपा आ गई, तो ऐसे में कब तक चलेगा, क्या काम होगा बताओ आप। तो यार उनके पास एक टाइम है कि हमको 5 साल रहना है मिनिमम, उसके बाद ही चुनाव होगा, अगर बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो 5 साल हमको काम करना है, जनता को दिखाना है, तो उनके पास एक क्राइटेरिया होता है काम करने का। उसी तरह से यार हमारे सारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए भी तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आखिर उनके लिए टाइम फिक्स क्यों नहीं होता? अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम तो होगी ना, जब तक वो जिले को समझेंगे तब तक ट्रांसफर। तो बात चाहे न्यायाधीश की हो, बात चाहे जिलाधिकारी की हो, या बात किसी भी अधिकारी की हो, एक अधिकारी के जब किसी क्षेत्र को दिया जाता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि वो ठीक ढंग से अपने अनुसार काम कर सके। तो यहां तो बात यही था। ऋण देने के लिए जो केंद्र सरकार राज्यों को ऋण देती है ना, उस ऋण देने के लिए एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और राजस्व में राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हालांकि बाद में बढ़ा है, काफी हद तक बढ़ा है ये चीजें, और विचार भी हुआ है, तो ये सारे टॉपिक पे काम हुआ है। राज्यों की इच्छा के विरुद्ध या आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। देखो कभी भी अगर कोई भी राज्य की इच्छा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे, तो उसकी इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि कुल मिला जुला के एक मजबूत केंद्र होना चाहिए, और मजबूत केंद्र के लिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो, और करना भी चाहिए। इसमें राज्यों की इच्छा है या नहीं है इतना ज्यादा कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा कोऑपरेट होगा तो दिक्कत होनी होनी है। ओके, आगे क्या है? एमएम पुंछी आयोग क्या है? देखिए, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट में 1600 पन्ने की रिपोर्ट थी, मैंने तो 2 पन्ने में पढ़ा दिया, तो बहुत सारी बातें कहा उन्होंने, और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी और बहुत ही व्यापक उसका प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि 1987 के बाद लगभग 20 साल तक सरकारी आयोग की रिपोर्ट पर ही सभी सरकारों ने काम किया, लगभग 20 सालों तक। अगले 2007 में, 87 में उनकी रिपोर्ट आई थी, 2007 में अगली कमेटी बनी है, ठीक है, फिर से देखते हुए, क्योंकि समय बदल रहा था, जमाना बदल रहा था, चीजें बदल रही थी, टेक्नोलॉजी बदल रहा था, ठीक है, और बहुत सारी नई नई संचार क्रांतियों का प्रवेश हो गया था, तो बहुत चीज जो है बदल चुकी थी, इसके लिए जरूरी था कि हम कमेटी भी बदलें और अपनी सोच भी थोड़ा सा बदलें।
तो एम एम पुंछी आयोग की अध्यक्षता किए थे न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी, इसलिए इनका नाम है एम एम पुंछी, मदन मोहन पुंछी। चार सदस्यीय कमेटी थी, एक तो यही थे, एक थे विनोद कुमार दुग्गल, एक थे धीरेन्द्र सिंह, एक थे एन आर माधव मेनन। इन्होंने 31 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट दिया, 31 मार्च 2010 को। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? इन्होंने 31 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट दिया, आयोग ने अपना प्रतिवेदन इसी दिन प्रस्तुत किया। तो फिर उसी ढंग से सरकार ने, तो अच्छा ये जो आयोग था एमएम पुंछी आयोग जो था, ये काफी हद तक समान था सरकारी आयोग के, जिस तरह से उनकी रिपोर्ट थी, क्योंकि सरकारी आयोग की बहुत सारी बातें आज भी पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं, पूरी तरीके से नहीं मानी गई है। तो वो सारी चीज भी शामिल थी, कुछ नई चीजें भी शामिल थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। और सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आ जाइए, यूट्यूब खोलेंगे, जब 91 सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट के अंदर एक आपको सीरीज मिलेगी, ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसको स्टैटिक जीके का मैंने नाम दिया, स्टैटिक जीके ऑब्लिक करके ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसको जरूर से पढ़िए। देखिए आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने वाला है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में ना कम से कम 40% प्रश्न जो है वो वहां से आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और जो भी ऊट पटांग के प्रश्न आते हैं ना, वहीं से बनते हैं। मैंने बहुत सारा टॉपिक वहां कलेक्ट करके रखा है, तो इसलिए आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए, जो आपको बताया जा रहा है अगर काम उस ढंग से करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी और आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। वरना आप भी समझदार हैं, बेवकूफ तो है नहीं, समझदार हैं, और आपको पता है कि क्या करना उचित होता है। तो उचित मार्गदर्शन ही मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो स्टैटिक जीके का पार्ट खोलकर जरूर से पढ़िए, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और वो पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट आपकी किताबों में भी नहीं होता है। बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा मैटर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, एक जगह आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों, तो प्लीज ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, ऐड को पूरा देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।